पत्रकार संघ ने बस्तर के औद्योगिक विकास पर परिचर्चा का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। सांसद दीपक बैज ने कहा कि बस्तर के विकास में किसी प्रकार की भी रुकावटें नहीं होने दी जाएंगी। बस्तर के औद्योगिक विकास पर परिचर्चा में बस्तर सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, समाज सेवी धर्मपाल सैनी मुख्य अतिथि थे। बस्तर के युवा सांसद दीपक बैज ने कहा कि बस्तर के विकास में अब कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। हम अपने दायित्व का पारदर्शिता के साथ निर्वहन करेंगे। हम इसी मिट्टी में खेल कूद कर पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति से परिचित हूँ, बस आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। कांग्रेस ने कभी किसी को नीचा दिखाने का कार्य नहीं किया, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई कार्य किया है। मैं बस्तर का हूँ, बस्तर के हित की बात करूँगा। निश्चित रूप से आज बस्तर के परिचर्चा पे आज एक कार्यशाला का हमारे जिला पत्रकार भवन में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन जी और हमारे पत्रकार साथी समाज सेवी सभी विषय विशेषज्ञों के ज्ञाताओं के साथ आज वार्तालाप हुई। निश्चित रूप से इस बस्तर के विकास पे परिचर्चा में NMDC का निजीकरण के मामला में भी चर्चा हुई, कोरोना महामारी पे भी चर्चा हुई, दलपत सागर, गंगा मुंडा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और फॉरेस्ट, लगभग सभी बिंदुओं को टच करते हुए आज इस मुद्दे पे चर्चा हुई। सभी महानुभावों ने बस्तर के विकास को लेकर एक सकारात्मक पहल सुझाव दिए और अपने अपने विचार रखे। निश्चित रूप से इस परिचर्चा से हम लोग को भी बहुत से मुद्दों को एक समझने का अवसर मिला, ज्ञान प्राप्त होने का अवसर मिला। आने वाले समय में बस्तर के विकास को लेकर शासन और प्रशासन के साथ मिलकर एक अच्छा बेहतर प्लानिंग के साथ हम बस्तर की विकास के लिए इन्हीं मुद्दों को लेकर हम काम करेंगे, ताकि बस्तर के विकास के लिए एक नया आयाम एक तैयार की जा सके। विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए चर्चा जरूरी है, मेरा प्रयास होगा कि मैं इसमें अग्रणी भूमिका निभाऊं। DMFT की बैठक में बस्तर के विकास पर काफ़ी कुछ चर्चा हो चुकी है, बस इसे अंजाम देने की ज़रूरत है। दलपत सागर को सहेजने का कार्य अवश्य किया जाएगा, राज्य सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। काफ़ी लंबे समय से चला रहा है और इस मामले को लेकर भूपेश बघेल जी जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय बस्तर की जनता की भावनाओं के अनुरूप नगरनार से पदयात्रा शुरू की और उनका ये मानना है कि नगरनार स्टील प्लांट में बस्तर के लोगों ने अपनी पुश्तैनी जमीन दी है, तो इस प्लांट को निजीकरण होने नहीं दिया जाएगा। और अभी जैसे ही ये मामला पुनः सामने आया केंद्र सरकार के द्वारा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः पत्र लिखा है, हम सभी जनप्रतिनिधि भी लगातार उनसे संपर्क में हैं कि इसको जाने नहीं दिया जाएगा और हम सब मिलकर एक अच्छी लड़ाई, इसमें सारे मीडिया समूह हो, सामाजिक संगठन हो, सभी राजनीतिक दल से हटकर, क्योंकि ये पहला उद्योग है जो बस्तर में पूर्णता की ओर जा रहा था। इस तरीके से तानाशाही रवैया केंद्र सरकार करेगी तो बस्तर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और हम सब मिलकर पुरजोर विरोध। पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने कहा कि हमारी संस्था के खिलाड़ी खेल जगत में बस्तर को और अधिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर मेरी संस्था को खेल अकादमी का अवसर मिले तो हमारी संस्था देश दुनिया में बस्तर को गौरवान्वित करने से पीछे नहीं हटेगी। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर पारिख ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए बस्तर में बहुत संभावनाएं हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।